हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आइए आज आपको बताता हूँ बेसिक पिवोट टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट है और फिर कुछ सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं और फिर टोटल किया गया है उनका। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस पूरे पार्ट को सिलेक्शन में ले लेता हूँ और अब इसे बोल्ड भी बना देता हूँ। तो ये बोल्ड बना करके अब ये देखिए एक हमने बना रखा है, ये इंसर्ट टैब है, इसको मैंने नाम दे दिया इंडिया। ठीक है, इसी पे क्लिक कर देता हूँ और अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पिवोट टेबल पे क्लिक करना है। ये जो पिवोट टेबल दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर आप क्लिक कर दें। अगर आप न्यू वर्कशीट पे चाहते हैं पिवोट टेबल तो न्यू वर्कशीट पे लेके आ सकते हैं, अदरवाइज आप सेम वर्कशीट पे चाहते हैं तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक कर दें और यहाँ पर कहीं किसी जगह पर किसी कॉलम में क्लिक कर दीजिए ताकि इसको ये पता चल जाए कि आप यहाँ पर इंसर्ट करवाना चाहते हैं। ठीक है, देखिए ओके प्रेस किया मैंने। अब यहाँ पर ओके प्रेस करते ही क्या होगा, ये एक पिवोट टेबल आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से आया हुआ है, आप देख सकते हैं आपका पिवोट टेबल। अब यहाँ से आप इसको स्क्रॉल करिए, देखिए नेम ऑफ स्टूडेंट आपको चाहिए तो यहाँ नेम ऑफ स्टूडेंट पे टिक करेंगे तो आपको नेम ऑफ स्टूडेंट मिल जाएगा। कंप्यूटर का मार्क्स चाहिए तो यहाँ पे कंप्यूटर के मार्क्स आ जाएंगे, उनका सम भी होकर आएगा। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं और भी सब्जेक्ट है तो जो भी सब्जेक्ट का मार्क्स आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं इजिली, यहाँ पर टिक करते जाइए और वो आता चला जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इसको ले लिया हमने और एट लास्ट टोटल को ले लेते हैं। ठीक है, करना है अब हमें यहाँ पर क्लिक करना है तो ये देखते इंसर्ट होकर आया है। ठीक है, ये कंप्यूटर के सारे स्टूडेंट्स का टोटल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।